I'm in a pit of bed, I'm crying. हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बैडमिंटन में येलो कार्ड का क्या मतलब होता है और येलो कार्ड क्यों दिया जाता है प्लेयर्स को। ये सब चीज़ जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग। सो फ्रेंड्स, सबसे मेन रीज़न येलो कार्ड देने का ये कि अगर कोई प्लेयर BWF रूल्स को ब्रीच करता है, ब्रीच करने मतलब उस रूल को अनफॉलो करता है, तो उस प्लेयर को येलो कार्ड दिया जाता है। उसका कहने येलो कार्ड का मतलब होता है मॉनिटरी फाइन इम्पोज करना प्लेयर पे। तो फ्रेंड्स, उस मॉनिटरी फाइन के बाद अगर कोई प्लेयर एक और बार BWF रूल को ब्रीच करता है तो उसे एक और येलो कार्ड मिलता है, जिसका मतलब होता है एक रेड कार्ड। दो येलो कार्ड मींस एक रेड कार्ड, और जिसका सिंपली मतलब होता है कि अपोनेंट टीम को एक पॉइंट मिल जाएगा एक्स्ट्रा। सो फ्रेंड्स, लेट्स सी कि अब और अलग अलग क्या रीजंस होते हैं येलो कार्ड मिलने के। सो फ्रेंड्स, और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं येलो कार्ड मिलने के, जिसमें से एक होता है थ्रोइंग रैकेट ऑन अपोनेंट्स कोर्ट, यानी अपोनेंट के कोर्ट पे इंटेंशनली रैकेट थ्रो करना, जो कि एक ऑफेंसिव माना जाता है BWF रूल के हिसाब से। और दूसरा होता है स्लाइडिंग अंडर द नेट टू द अपोनेंट्स कोर्ट, यानी अपोनेंट के कोर्ट पे इंटेंशनली स्लाइड करना। सो फ्रेंड्स, और भी बहुत सारे रीज़न है येलो कार्ड मिलने के, लेकिन जो जो वर्दी रीज़न मैं आपको वो बता देता हूँ, जिसमें से एक है BWF रूल के हिसाब से डिस्ट्रैक्टिंग अपोनेंट वाइल ही और शी इज हिटिंग, यानी अपोनेंट में अगर कोई बंदा हिट कर रहा है तो उसे डिस्ट्रैक्ट करना, वो ऑब्स्ट्रक्ट करना या डिस्ट्रैक्ट करना, वो गलत माना जाता है। बिल्कुल गलत तो माना ही जाएगा यार। सो फ्रेंड्स, चौथा रीज़न ये है लीविंग कोर्ट इन बिटवीन मैच, यानी कोई कोई प्लेयर जो होते हैं बिना रेफरी के परमिशन के मैच को बीच में कोर्ट को छोड़ देते हैं, जो कि गलत माना जाता है। तो फ्रेंड्स, फिफ्थ और लास्ट रीज़न है डैमेजिंग और कॉन्स्टेंटली चेंजिंग शटल इन बिटवीन मैच, यानी मैच के बीच में बिना रेफरी के परमिशन के शटल को चेंज कर देना, जिसे टैम्परिंग में काउंट किया जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल पे सब्सक्राइब कर देना यार, बस इतना कर देना मेरे लिए यार, प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।